गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई एम इरशाद सर, एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इस चैप्टर की शुरुआत की है, और कल हमने हमारे फिजिक्स के चैनल को एक नाम भी दिया था, लेकिन उसको मैंने फिर से थोड़ा सा चेंज किया है। आज से हमारा जो फिजिक्स के लिए एससीए फैमिली की ओर से जो नाम रहेगा वो फिजिक्स सॉल्यूशन बाय इरशाद सर रहेगा, ठीक है। तो कल हमने स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, और फिर फिजिकल क्वांटिटी वहां तक हमने पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूँ जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप ये लेक्चर आज से देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट एक बार जरूर देखें, मतलब आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपको समझ में आने वाला है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये तो मैंने आपको कल बताया था, जो क्वांटिटी साइंस में हमने डिस्क्राइब की है, जो फिजिक्स में हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी देखा, जो मतलब साइंस को क्या करेंगी? डिस्क्राइब करेंगी, मतलब उसका हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर, यूनिट, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू है, यूनिट है, उसको हम क्या बोले वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जो साइंस के लॉ को क्या करेगी? डिस्क्राइब करने वाली है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली नहीं है, उस क्वांटिटी को हम बोलने वाले फंडामेंटल क्वांटिटी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी। उसको एक दूसरा नाम क्या देंगे हम? बेस क्वांटिटी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आती है आपकी मास। कौन सी क्वांटिटी? आपकी मास। अब मास एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली नहीं है। मतलब मान लो समय के साथ हम बोल सकते हैं, समय के साथ मास कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है। मान लो अभी अगर 7 बजे है तो आपका मास है 50 kg, और अभी 8 बज गए तो आपका मास 60 kg होने वाला है क्या? इतना फास्ट चेंज होने वाला है क्या? नहीं। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, उसको हम बोलने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा एक क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पे लेंथ, और हम बोल सकते हैं टाइम, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और भी हमारे पास क्वांटिटी होते हैं, जैसा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमारे पास और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर मैंने टोटल आपके लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे लिखे है, मतलब हमारे फिजिक्स के अंदर हम देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसका यूज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये क्वांटिटी जो आपके सामने लिखे है ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहने वाले है। अब दूसरा टाइप हम देखने वाले है जिसका नाम है डिराइव क्वांटिटी, या फिर हम उसको बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था? एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो यहां पर हम बोलेंगे अ क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या? एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर क्या करने वाली है? डिपेंड करने वाली है, तब हम उसे कहने वाले हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हम इसका और एक डेफिनेशन ऐसा भी समझ सकते हैं, अ क्वांटिटी विच डिराइव मतलब आई है, हमने बनाई है, डिराइव फ्रॉम, कहां से बनाए हमने? फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इट्स कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। मतलब डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या? जो क्वांटिटी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलने वाले हैं? डिराइव क्वांटिटी। कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट क्वांटिटी आपका फोर्स। अब फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास
इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स ये जो क्वांटिटी है ये है आपकी डिराइव क्वांटिटी. बिकॉज हमने देखो यहाँ पे मास आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हमने ये जो क्वांटिटी बनाई है उसको हम बोलने वाले हैं डिराइव क्वांटिटी. कुछ आ रहा है समझ में? अ क्वांटिटी विच डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी. दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी आई है इसको हमने कहां से डिराइव किया है? टाइम से डिराइव किया है. मतलब टाइम हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया आपका डिराइव क्वांटिटी. आपको समझ में आ रहा है? हम और एक क्वांटिटी ले सकते हैं वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो फिर एक बार वेलोसिटी भी हमने कहां से डिफाइन की है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मतलब टाइम का हेल्प लेके वेलोसिटी को हमने यहां पे क्या किया? डिराइव किया, बनाया. तो ये जो भी क्वांटिटी है ये हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाने वाले हैं या डिराइव करने वाले हैं देन इट इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी. अब ये क्वांटिटी क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर क्या करने वाली है? डिपेंड करने वाली है. फोर्स मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर टाइम में डिपेंड करेगा. तो ये जो क्वांटिटी है एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? डिपेंड करेंगी. देन इट इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी. और जो डिपेंड नहीं करेंगी उसको हम बोलने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स अभी थोड़े से क्लियर हो चुके हैं. तो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं. सबको फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी क्लियर हुआ है और सबने सब लिख लिया है. तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. आगे का आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ यूनिट्स. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट्स के तरफ. कल हमने यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था जब मैंने आपको बताया था यूनिट मतलब क्या है. एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमने कल देखा था जैसा कई मास है और मास में अगर बोलता हूं 30 तो यहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा है केजी है ग्राम है पाउंड है कुछ है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो कोई भी क्वांटिटी को मैं एक्सप्रेस करता हूं विद देयर प्रॉपर यूनिट तो यूनिट से भी मुझे पता चलता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. तो हमने ये रेफरेंस स्टैंडर्ड विच यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड एज यूनिट. तो यूनिट्स में भी बच्चों हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स देखेंगे. यूनिट्स के भी क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट्स. अब मुझे बताओ फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देखा. पहली क्वांटिटी कौन सा देखा हमने? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा आने वाला है फंडामेंटल यूनिट्स. कौन सा यूनिट आएगा? फंडामेंटल यूनिट. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है. आप 11th के बच्चे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है और नोट्स निकालने हैं और उसको पढ़ना है. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. 10th में से आप 11th में आए हो. साइंस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है वो मुझे पता है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी देखो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है. तो हम इसके एक डेफिनेशन बनाएंगे. अ यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड अ यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटी. अब अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही एक्सप्रेस करेगा, डिराइव को तो करेगा नहीं. तो फिर एक ऐसा यूनिट जो किसको यूज कर रहे हैं हम क्या एक्सप्रेस करने के लिए? फंडामेंटल क्वांटिटी. जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल. उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स मेंटल. ओके, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा. थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझते हैं. मान लो अगर मेरे पास मास नाम की क्वांटिटी है तो मास का मेरा यूनिट है केजी. अगर मेरे पास है लेंथ तो लेंथ का यूनिट है मेरे पास मीटर. अगर मेरे पास है टाइम तो टाइम का यूनिट है मेरे पास सेकेंड. अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो मेरे पास यूनिट है उसका केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस. तो आपको समझ में आ रहा है ये सभी इधर से जो लिखे हैं मैंने ये फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल है और ये हो गए उसके यूनिट्स. तो जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी के सामने आप यूज कर रहे हो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए आप यूज कर रहे हो
उसको आपको बोलना है फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपको पहले वो भी समझना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और वो कौन से है, तब आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या है वो थोड़ा सा समझ में आने वाला है। करंट हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो करंट के लिए एम्पियर हम यूज करने वाला है, देन वो बन जाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को जो आप यूज करेंगे, वो जो यूनिट आप यूज करेंगे वही आपका रहेगा फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशन सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा आएगा आपका, हमने डिराइव क्वांटिटी देखा तो उसका आएगा आपका डिराइव यूनिट्स। तो डेफिनेशन आसान है, आप यही से बना सकते हैं। बताइए कैसा बनेगा, अ यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये ऐसा यूनिट है जो हम किसको यूज का, ये यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटी। मतलब यहां पे देखो हमने क्या देखा, ये यूनिट हमने काहे के लिए यूज किया एक्सप्रेस करने को, फंडामेंटल क्वांटिटी को। अब ये क्या करेगा, यूनिट विच इज यूज टू एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटी, जो डिराइव क्वांटिटी को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा, उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट है तो वो डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा, फंडामेंटल यूनिट है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा, दोनों की क्रॉसिंग करनी नहीं है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा था फोर्स, तो फोर्स के लिए हम यूनिट यूज करते हैं न्यूटन, फोर्स के यूनिट क्या यूज किया हमने न्यूटन। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने देखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ ये जो यूनिट्स है और ये क्या है आपके फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये आपके कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी आपको आप समझ में आ रहा है। अब इनके लिए जो यूनिट यूज करेंगे हम वो कौन से यूनिट बन जाएंगे आपके, डिराइव यूनिट। तो ये यूनिट मैंने डिराइव क्वांटिटी के सामने यूज किए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिराइव यूनिट्स। और ये यूनिट मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के सामने यूज किए हैं, इसलिए मैं इसको बोलूंगा फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपको जब तक फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको उनके यूनिट्स क्लियर नहीं होंगे। तो यूनिट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन करना नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ उसको समझना है, लिखना है और बार बार पढ़ना है। देन फिजिक्स का बिल्कुल आपको टेंशन लेना नहीं, फिजिक्स इज सबसे 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 आसान सब्जेक्ट है, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आई होप आपने ये भी लिख लिया होगा, या फिर आप जो लोग किताब यूज कर रहे हैं किताब में भी ये चीजें वैसे ही दी है और अच्छी सी दी है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी साथ है तो उसके साथ फंडामेंटल यूनिट्स है, बट डिराइव क्वांटिटी जो है ये बहुत सारे है। अपना 11-12 का जितना फिजिक्स है उसमें हम बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी देखने वाले हैं जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज से बनाए हैं। तो उनके फिर डिराइव यूनिट्स भी बहुत सारे हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल यूनिट्स भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अब ये कुछ अलग यूनिट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसको हम बोलने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वैसा तो आपने सुना है, फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल, जैसा कि हमारा है बेसिक यूनिट जो बहुत बार आपने सुना है रेडियन, राइट। रेडियन आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार सुना होगा, क्या है रेडियन, रेडियन एक ये है यूनिट, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन कैसा है देखो। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, राइट, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब इस सर्कल पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। तो मान लो मैं कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट पे कुछ सर्कुलर मोशन किया, तो जब मेरा पार्टिकल ए टू बी गया तब मैंने यहाँ पे सपोज एंगल कवर किया डी थीटा, इतना एंगल मैंने कवर किया डी थीटा। अब ये जो है एंगल की सामने वाली जो लेंथ है इसको मैं बोलता हूँ आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डीएस से, और ये है मेरी सर्कल की रेडियस dr। तो सबको पता है, अब यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल की डेफिनेशन तो सबको पता है, एंगल मेड बाय द रेडियस, बरोबर है ना, एंगल मेड बाय द रेडियस विद टू पोजिशन, एंगल सब्सटेंडेड बाय द, एंगल सब्सटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ आर्क, ऐसा भी हम उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आपको मैं जस्ट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बेसिक आपको चीज पता रहा हूँ बता रहा हूं। तो एंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस,
एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। तो एंगल को हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, डी थीटा। आर को कंसीडर किया हमने डीएस और रेडियस हमने कंसीडर की आर। तो यहां से आपका एंगल का फॉर्मूला या फिर डी थीटा का फॉर्मूला आया डीएस बाय आर। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर जो आपका एंगल है उसका जो यूनिट है वो हम यूज करते हैं रेडियन। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। वैसा तो डिग्री भी होता है लेकिन सॉरी वैसा तो डिग्री भी होता है लेकिन हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो एंगल का ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन है। और इसके बारे में आपको एक चीज बता दो, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है, वन ऑफ द क्वांटिटी विच हैव यूनिट्स बट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तब हम उसमें ये चीजें पढ़ने वाले है। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट्स है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, बट नो डायमेंशन, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन टॉपिक हमारा आगे आने वाला है, वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो रेडियन मतलब कौन सा है, एंगल का यूनिट है, लेकिन कौन सा एंगल, जो एंगल हमारा सर्कल में बन रहा है उसको हम बोलेंगे, उसमें उसका जो यूनिट हम बोलेंगे वो है रेडियन। कुछ एंगल ऐसे होते हैं, जो सेकेंड वाला है आपका स्टेटरडियन, दूसरा यूनिट आता है हमारा स्टेटरडियन। बिल्कुल जरा डरने की जरूरत नहीं है। स्टेटरडियन मतलब क्या, आपका जो सॉलिड स्फीयर होता है, ओके, सॉलिड स्फीयर में जो आपका एंगल बनने वाला है उसका जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्टेटरडियन। स्टेटरडियन मतलब ये सॉलिड स्फीयर में बनेगा, इसलिए हम इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। और ये एंगल थोड़ा सा इस एंगल से कैसा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसकी अगर बात करें तो सर्कल के लिए यह एंगल हमारा कितना रहेगा, 2π। एक सर्कल जब हम कंप्लीट करते हैं तो यह एंगल कितना रहेगा, 2π। पर जब सॉलिड स्फीयर की हम बात करते हैं, सॉलिड एंगल की जब बात करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से। उसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है फॉर्मूला, डीए बाय आर स्क्वेयर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, डीए बाय आर स्क्वेयर। जो आपका सॉलिड एंगल है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, डीए अपॉन आर स्क्वेयर। यह आपका काय का फॉर्मूला रहेगा, सॉलिड एंगल का। अब देखो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें आपको जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो एडिशनल यूनिट है, उसमें दो यूनिट मैंने आपको बताए, जो एक रेडियन और एक है स्टेटरडियन, जो कहां पर बनेगा, सॉलिड स्पेयर में बनेंगे या फिर उसको हम सॉलिड एंगल भी बोलेंगे। और ये पूरा स्पेयर के लिए रहेगा 4π, मतलब इसकी वैल्यू जो है सर्कल के वैल्यू से कैसी मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है, बाकी ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने जो कल फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी कवर किया था, उसका जो आगे का पार्ट था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ यूनिट, वो आज हमने लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे कवर किया है। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आने चाहिए तो आप प्लीज इसके पहले वाले जो लेक्चर है वो बिल्कुल देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, तब आपकी लिंक लगने वाली है। और आपको वन थिंग, आप एक आपके लिए खुद के लिए एक अच्छी सी नोटबुक बनाइए और रोज का लेक्चर जो आप करने वाले हैं उसके लिए टाइम दीजिए, पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको दम दम से पूरा समझ में आने वाला है। और पूरे नोट्स आप अच्छे से बनाइए और पहले ही दिन से आप इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टार्ट करिए। जैसा चैप्टर खत्म होता है मैं भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ऑनलाइन आपको यहाँ पे सॉल्व करके देने वाला हो। तो आई होप आपको ईशा सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज से हमारा जो चैनल का नाम है, जो कंफर्म मैंने आपको बता दिया अभी, फिजिक्स सॉल्यूशन बाय ईशा सर, इस नाम से हमारा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा है और आप चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर एक बार फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं। तब तक लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।